देख लो छोटे छोटे बच्चे कितने चालाक हो रहे हैं, पैसे की इतनी पहचान है इनको। मेरे बैग से जो अभी जो अर्निंग करके लेके आए थे ना, उसमें से 500 रुपए निकाल के ले गया ये दुकान पे। चीज का पता ही नहीं चला, वो तो दुकान वाले ने बता दिया कि भाई ये 500 रुपए लेके आ रहा है। किसने दिए इसको बताओ, ये पागल। हेलो दोस्तों, दो कोड़ी यूट्यूब चैनल के एक और नए नीट एंड क्लीन वीडियो में आपका स्वागत है। ये देख लो गाइस कितनी मस्त लाइफ होती है बचपना। कभी कभी तो हम भी सोचते हैं कि हम भी टाइम ट्रैवल करके बचपन में चले जाएं, मतलब 1992 में चले जाएं अपने भी जन्म से पहले। तो क्योंकि इस उम्र में कुछ कोई टेंशन नहीं होती, कोई कमाई धमाई की टेंशन नहीं होती, कोई पैसा की टेंशन नहीं होती। और खैर इस बात से याद आया कि आपको लगता होगा कि हम कोई काम करते भी हैं कि नहीं करते, तो आज के इस वीडियो में हम वही चीज़ दिखाएंगे कि हम क्या काम करते हैं। हमारा काम सिर्फ 2 घंटे का होता है गाइस, पूरे दिन में 2 घंटे काम करते हैं और एक अपना जरूरत के हिसाब से तो उतना कमा लेते हैं। तो आज मस्त वाली धूप निकली हुई है दोस्तों, और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम काम क्या करते हैं। हमारा मेरा जो काम है वो होता है सिर्फ मात्र ओनली 2 घंटे का। 11 बजे निकलता हूँ, 2 बजे 1:30-2 बजे मैं वापस घर आ जाता हूँ। तेरे को पता उखल टाइम ट्रैवल क्या होता है? बचपन के दिन। अरे टाइम बचपन के दिन टाइम ट्रैवल क्या होता है? टाइम ट्रैवल मतलब अब तू कितने साल का है? मैं 14 साल का है। अब तेरे को कोई ये कहे कि मैं तेरे को अब ना 14 साल की बजाय जब तू 2 साल का था ना, उस 2 साल की स्थिति में पहुंचा दूंगा, या फिर तने अभी मैं 80 साल का कर दूंगा 1 मिनट में, उसको बोलते हैं टाइम ट्रैवल। पता है अब लग गया पता? हाँ। कैसे क्या होता है टाइम ट्रैवल? मैं 14 साल का हूँ, या तो मैं 2 साल का हो जाऊंगा या 80 साल का। 2 साल का हो जाएगा तू, अब तू 14 साल का है, 1 सेकंड में 2 साल का हो जाएगा, तो कितने साल का टाइम ट्रैवल कर लेगा तू 1 सेकंड में? 1 सेकंड में 12 साल का। हाँ 12, यानी कि 1 सेकंड में तो 12 साल का टाइम ट्रैवल कर लेगा। तो 12 मतलब के बचपन में जाना की ख्वाहिश इसलिए है कि जो भी गलतियां हुई है ना लाइफ में वो ठीक कर सके। कुछ ना कुछ तो गलतियां हर बंदे से होती है, और गलती होगी तो उसको ठीक करने का कोई भी आजकल इस लाइफ में प्रोग्राम नहीं बनाए। बट ये टाइम ट्रैवल ही ऐसी चीज़ है जो कि अपनी गलतियों को बिल्कुल दोबारा से, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो अगर टाइम ट्रैवल नाम की चीज़ आ गई ना, तो मैं तो सबसे पहले उस बटन दबाऊंगा कि 1992 में पहुंचा दे मेरे को, तो 1992 में पहुंच के अपने जन्म तभी पहले पहुंचूंगा मैं तो। फिर सोचूंगा कहाँ जन्म ले ले। हाँ। फिर भी रामफल क्या होगा कि तू। चलो ठीक है गाइज, नहा धो के तैयार हो लेते हैं पहले, उसके बाद चलते हैं आज काम पे, दिखाएंगे आपको क्या काम करते हैं हम। तो दोस्तों नहा धो के मस्त तैयार हो चुके हैं, तो अब चलते हैं अपना काम पे। सामान तो हमने मेंटेन कर लिया था कल ही, तो आओ चलते हैं। दोस्तों अभी टाइम हुआ है 12:30 और मैं आया हूँ रोहतक रोड पे। तो आज यहाँ रोहतक रोड की मार्केट करनी है। इस बैग में है सामान, इस बैग में जो स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो गार्ड लगते हैं ना, वो गार्ड लगाने का काम होता है एक्चुअली हमारा। तो आज रोहतक रोड की मार्केट करने आए थे, रोहतक रोड की मार्केट पे करेंगे काम, लगाएंगे गार्ड और करेंगे कमाई। मिलते हैं आपसे 2 घंटे बाद। सॉरी 2 घंटे क्या, 2 घंटे में तो आप कहाँ ऐसे वेट करोगे, 2 घंटे नहीं सॉरी, आपसे मिलते हैं 1 सेकंड बाद। तो टाइम ट्रैवल के हिसाब से देखें तो 1 सेकंड के बाद मिलेंगे आपसे, तो मिलते हैं। तो दोस्तों अभी बजे हैं 2:30, हमने मार्केट स्टार्ट की थी 11:30 बजे, मार्केट हो चुकी है कंप्लीट। तो मार्केट में भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, तो हमने आपसे जो ये 2.5 घंटे की मार्केट की है इसमें प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट आई थिंक 1,000 रुपये के करीब हमने आज के 3 घंटे मार्केट करके 1,000 रुपये के करीब कमा लिया है। मतलब ये चीज़ दिखानी है भाई, अपना आत्मविश्वास से भी बंदा कमा सकता है, अब अपना खुद का काम करके भी किसी पे डिपेंड न रह के भी बंदा कमा सकता है। अब बाकी का 3 हमारे लिए व्लॉगिंग करने में ही बीतता है, 2.5 से 3 घंटे का काम करना पड़ता है डेली, बस रूटीन का काम यही है हमारा। आपने अगर हो सकता है हमारे पीछे वाले वीडियो ना देखे हो ना, तो वहाँ पे आपको क्लियरली पता भी लग जाएगा कि हम काम क्या करते हैं। तो अब चलते हैं घर। तो दोस्तों अभी जस्ट अपना काम वाम ख़त्म करके घर आए थे, और अभी छत पे धूप सेक रहे हैं। धूप मस्त वाली धूप निकली है यार आज, तो बहुत बढ़िया धूप निकाल रखी है। अच्छा तने बना दिया गेट, बना दिया कैसे बनाया?
लकड़ी ली है। लकड़ी के ऊपर प्लाई। अच्छा प्लाई के ऊपर पैन का निशान करके मशीन के साथ उसे अच्छा चपेके चपेके चल। अच्छा फिर कुंडा नट दो नट दो चार नट लेके चार नट लेके। अच्छा अरे कुंडा ले दो कुंडा लेके दो कुंडा कुंडा क्या हुआ ये भेड़न का भेड़न का। चल दो कुंडा लेके और दो वो पकड़ रखे होते हैं पकड़न के हाँ। पकड़न के क्या होते हैं पकड़न वो लग रहा चल जो भी है पकड़न का लगा ले हैंडल। हाँ हैंडल हाँ। और जिसमें ताला लगाते हैं वो ताला लगाते हैं कुंडी। हाँ कुंडी। अच्छा उसे मशीन में मोगले करके मशीन भी चलानी आवे तने। यस। अच्छा यस अच्छा फिर मशीन के साथ उसमें मोगा करके तो फिर उसमें नट भेद देने नट भेद देने नट भेद दिए तूने हाँ। तो फिर बन गया दरवाजा। नहीं उसके साथ ये हाँ दरवाजा तो बनेगा लगाने के लिए ये चीज चाहिए। क्या चाहिएगी? एक तो भूल गया क्या लगा दरवाजे के साथ क्या मेरे को बता मैं दिलाऊंगा याद तेरे को। वो तो नहीं कह रहा तू वो ऐसे होने वाला हाँ। होता है क्या कब्जा चार कब्जे लेके। अच्छा और ये होते हैं थोड़ा जल्दी बोल यार तू कमाल कर लग रहा अच्छा मैकेनिक है भाई तू तो अच्छा साइंटिस्ट है। तुम्हारे घर पे ला रखी क्या लगा रखी है? फट्टे से फट्टे लगा ले फिर। हाँ फट्टे से फट्टों में मोगल कील गाड के। अच्छा और कील गाड के चार हाँ और उसमें कब्जे के नट भेद के। अच्छा फिर गेट में कब्जे नट भेद के हो गया दरवाजा तैयार है। हाँ तो गाइस अगर आपने समझ आया हो तो आप भी घर दरवाजा बना सकते हो अपना खुद का दरवाजा तैयार कर सकते हो। उखल ने जिस तरीके से बताया उस वाले तरीके से अगर समझ आया है तो और नहीं समझ आया हो तो अगली वीडियो में समझा देंगे। फिर यो नीवे समझांदा रहेगा तो दरवाजा बनाने भाई मिस्त्री तो बनवा लेना गाइस अपना जो भी मिस्त्री तो अपना खर्चा पानी दे के ना मिस्त्री से ही बनवा लेना भाई ये तो नीवे समझाया करे उखल है ये तो। चल दिखा किस्मत है दिखा जाके दिखा कौन सी जेब में से लिए इस साइड आइयो मारू के थप्पड़ मारू फिर देख लो 500 का नोट निकाल के ले गया दुकान पे देख लो छोटे छोटे बच्चे कितने चालाक हो रहे हैं पैसे की इतनी पहचान है इनको मेरे बैग से जो अभी ये जो अर्निंग करके लेके आए थे ना उसमें से 500 रुपए निकाल के ले गया ये दुकान पे चीज का पता ही नहीं चला वो तो दुकान वाले ने बता दिया कि भाई ये 500 रुपए लेके आ रहा है किसने दिए इसको बताओ ये पागल भाई गंदे काम नहीं करा करके ठीक है आगे मत करना ठीक है मेरे मांग के ले लिया कर पैसे मांग के ले लिया कर ठीक है पैसे नहीं निकाल के लेके जाया करते पागल ठीक है वो तो उसने बता दिया दुकान वाली ने ठीक है आगे मत करना है कोई बात नहीं गाइस इतनी पनिशमेंट बहुत होती है छोटे बच्चे के लिए आगे नहीं करेगा ये काम ऐसा। सो गाइज आपने देखा आज हमारा वीडियो हमारा रूटीन का वर्क भी देख लिया आपने कैसा है कि और किस बेस पे हम अर्निंग करते हैं तो यह वाला व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। तो बताना आपको कैसा लगा अच्छा लगा है तो लाइक कर देना मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक आप इन वाले दो वीडियो में से कोई भी एक वीडियो देख सकते हो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय।